हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम इंफोसिस ऑफर लेटर के डिले होने का रीजन के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड मैं आपको क्लियरली स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि ये वीडियो शायद आपको थोड़ी सी बुरी लग सकती है, क्योंकि मैं जो भी बात बताने वाला हूँ ऑनेस्ट सभी चीजें बताने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो। कंपनी का जो सिनेरियो चल रहा है, इंडस्ट्री में जो सिनेरियो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली पूरी चीजें मैं आपके साथ क्लियरली डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको वीडियो को एंड तक के देखना है अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो। इस वीडियो में कोई भी प्रमोशन नहीं है, ओके, आपको वीडियो को एंड तक के देखना है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरी बातें आपको सही लगती है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो भी इन्फोसिस कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के बाद अगर आपको कोई भी अपडेट नहीं आया है, या तो आपको जॉब ऑफर मिल चुका है लेकिन ऑफर लेटर के लिए आप वेट कर रहे हो, आपको कितना वेट करना चाहिए। एंड अगर आपका इंटरव्यू मार्च में, जून में, जुलाई में, अप्रैल में हुआ है तो आप अभी भी वेट कर रहे हो, तो उसके आपको क्या करना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए, ऑनेस्टली सभी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है गाइस कि आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के लिंक्स देखने मिल जाएंगे जहां पे मैंने बताया कि इंफोसिस की सैलरी कितनी है, इंफोसिस कौन सा लैपटॉप प्रोवाइड करती है, एनएसआर कैसे फिल करना है, ऑफर लेटर कैसे एक्सेप्ट करना है। तो वो कुछ बेसिक से वीडियोज है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर लेना। बस बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो गाइस मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू मार्च में हुआ है, मेरा अप्रैल में हुआ है, मई में हुआ है, जून में हुआ है, ओके, लेकिन अभी तक के मुझे कोई भी ऑफर लेटर इन्फोसिस की तरफ से देखने नहीं मिला है। तो गाइस जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता है, मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि अगर आप 2022 बैच से बिलोंग करते हो तो पहले इन्फोसिस आपको जॉब ऑफर भेजती है, उसके बाद आपको ऑफर लेटर भेजती है। लेकिन अगर आप 2020, 2019 या 2021 से बिलोंग करते हो तो आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर भेज दिया जाता है आफ्टर द इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको सीधे से ऑफर लेटर भेज दिया जाएगा, या तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अगर आपने बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्म किया है तो आपको वहां पे इंफोसिस कंपनी जो है वो रिजेक्शन मेल भेज देती है, ओके। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू के बाद कोई भी अपडेट नहीं आया तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरी बहुत सारे कैंडिडेट से रिसेंटली बात हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे एक हफ्ते से इन्फोसिस के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं डीपली रिसर्च कर रहा था इसके रिगार्डिंग। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी है जिन्होंने 25th ऑफ मार्च को इंटरव्यू दिया है, उनका अभी तक के रिजल्ट नहीं आया है। एंड अप्रैल के तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं ऑफर लेटर का, ओके। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर मार्च एंड अप्रैल वाले कैंडिडेट्स अभी तक के वेट कर रहे हैं, तो अगर आपने जून जुलाई में इंटरव्यू दिया है तो आपको तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ये क्लियर कट में चीजें बोल रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 1st of June, 1st of July ऐसे कुछ में इंटरव्यू दिया है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने जून एंड जुलाई में इंटरव्यू दिया है तो आपको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है ऑफर लेटर मिलने के लिए। गाइज नॉर्मली मैंने भी गाइज 50 days वेट किया था इंटरव्यू के बाद मुझे ऑफर लेटर मिलने के लिए, ओके। जहां पे मुझे 50 days बाद जॉब ऑफर मिला था, कंफर्मेशन मिला था, तो आपको भी यहाँ पे इतना समय तो मिनिमम लग ही सकता है। 40 to 50 days अभी तो एवरेज है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स 3 to 4 months से वेट कर रहे हैं एंड उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब मैं आपको इसका रीजन क्लियरली बता देता हूँ, ओके। इंडस्ट्री में गाइस यहाँ पे अभी बहुत, अगर आपको पता हो या नहीं पता हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको क्लियरली ये चीज बता रहा हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वहां पे अभी रिसेशन चालू है। जैसे कि यहाँ पे जो इंफोसिस कंपनी होगी, विप्रो कंपनी होगी, केपजेमिनी होगी, जो भी कंपनीज है वहां पे जो है उन्हें कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे। न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने के कारण ही इंफोसिस कंपनी जो न्यू कैंडिडेट्स की हायरिंग है उनको थोड़ा सा डिले कर रही है, ओके। तो ये चीज क्लियरली मैं आप सभी के सामने बता रहा हूँ, इंफोसिस कंपनी बाकी भी जो कंपनीज है जैसे विप्रो हो गया, केपजेमिनी हो गई, इन सभी कंपनीज में क्या चल रहा है, न्यू प्रोजेक्ट्स की अवेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम होते जा रही है। इसीलिए जो है जो न्यू फ्रेशर्स को हायर करने के लिए और ज्यादा डिले कर रहे हैं, जब तक कि उन्हें आप ही बताइए, आपका कोई बिजनेस है एंड आपके पास बिजनेस में काम ही नहीं है तो आप न्यू कैंडिडेट्स को हायर कैसे करोगे? आपके पास कुछ वर्क होता है तभी आप न्यू कैंडिडेट्स को हायर करते हो एंड उन्हें वो काम देते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई काम ही नहीं है तो आप क्यों हायर करोगे एंड उन्हें क्या काम दोगे अगर हायर भी कर लेते हो तो, ओके। तो ये चीज क्लियर रीजन है पहला कि यूरोपियन मार्केट्स में जो है वो थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, ओके। इसीलिए यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं आईटी कंपनीज को, जो सर्विस बेस्ड कंपनी है उन्हें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं एंड उसके वजह से वो न्यू कैंडिडेट्स की हायरिंग जो है वो डिले कर रही है, ओके। आई होप आपको ये चीज, पहली चीज जो है वो क्लियर हो गई हो। सेकंड चीज गाइस यहाँ पे जॉब ऑफर की बात आती है कि अगर आप 2022 बैच हो एंड आपको जॉब ऑफर मिल चुका है, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप अप्रैल कैंडिडेट्स में भी, अप्रैल में भी जिनको इंटरव्यू दिया है उनमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें ऑफर लेटर नहीं मिला है, तो मई जून जुलाई वाले कैंडिडेट्स को तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है,
ये मैं आपको पहले ही चीज क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जॉब ऑफर के बाद ऑफर लेटर मिलता है, लेकिन ऑफर लेटर मिलने के बाद, ठीक है, ऑफर लेटर में ज्वाइनिंग मेंशन होती है। ये चीज ध्यान में रखना आप कि जॉब ऑफर तो दे देते हैं जहां पे आपका बता दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन ऑफर लेटर जब आपको प्रोवाइड किया जाता है तो ऑफर लेटर में आपको वहां पे ज्वाइनिंग डेट मेंशन होती है। ज्वाइनिंग डेट में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, ओके। तो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, इसके लिए वहां पे आपके लिए प्रॉपरली आपके लिए स्लॉट्स, आपका बैच जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है, क्लास में 60 कैंडिडेट्स है, तो अगर न्यू क्लास एड ऑन हो रहा है तो 60 स्टूडेंट्स है, उनका अकोमोडेशन हो गया, उनका स्टे प्लेस हो गया, साथ साथ उनका जो क्लासेस है, क्लासेस की बैच अरेंज हो गई, टाइम अरेंज हो गया, प्लेस अरेंज हो गया, ये सभी चीजें करनी पड़ती है। बैकएंड में ये सारी चीजें भी चलती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैसूर में ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ओके, कैंडिडेट्स को मैसूर बुला रहा है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ बहुत बार कि आपकी ट्रेनिंग भी ऑफलाइन होने वाली है। 99% ज्यादा 99% चांसेस है कि आपकी ट्रेनिंग ऑफलाइन होने वाली है। फिर भी मुझे सेम कमेंट आता है कि ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी। आपकी ट्रेनिंग ऑफलाइन होने वाली है, एंड ऑफलाइन होने के लिए पूरी अवेबिलिटी वहां पे जो है, आपका स्पेस, अकोमोडेशन, क्लासेस, ट्रेनिंग से रिलेटेड सभी चीजें वहां पे उन्हें एडजस्ट करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंगली वो आपको ऑफर लेटर भेजते हैं एंड ज्वाइनिंग डेट भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस ने आपको एक ज्वाइनिंग डेट भेज दी। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10th ऑफ अगस्त की ज्वाइनिंग डेट भेज दी, लेकिन 10th ऑफ अगस्त की ज्वाइनिंग डेट भेज दी, लेकिन उनके पास वहां पे अवेबिलिटी नहीं है उस समय वो अरेंज नहीं कर पा रहे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपकी ज्वाइनिंग उस टाइम पे डिले कर दी जाएंगी इन्फोसिस की तरफ से? नहीं, ऐसा सिनेरियो नहीं होता है। इसीलिए जैसे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स है जिन्हें 1st ऑफ जुलाई को बहुत सारे लोगों को जो है इन्फोसिस की तरफ से ऑफर लेटर आया, ठीक है। उनको जो ज्वाइनिंग दिया है 12 सितंबर, 15 सितंबर, बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो दिसंबर में भी ज्वाइनिंग दी गई है। क्यों? क्योंकि बैच वाइज वो अरेंज करते हैं सभी चीजें, उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीजें वर्क करती है। तो आप ऐसा मत समझिए कि हाँ, मैंने एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, अब मुझे ऑफर लेटर आ जाना चाहिए। यहाँ पे काफी ज्यादा डिले हो रहा है, एंड सिर्फ इन्फोसिस कंपनी नहीं, बाकी कंपनीज भी डिले कर रही है। इन्फोसिस तो एटलीस्ट कैंडिडेट्स को हायर भी कर रही है, बाकी कंपनीज हो गई जिसकी एसेंचर हो गई, एसेंचर में तो डायरेक्टली ही रिजेक्शन मेल भेज दे रही है कैंडिडेट्स को, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है नहीं है तो भी रिजेक्शन मेल भेज दे रही है। आपने एग्जाम भी नहीं दी तो भी डायरेक्टली आपको रिजेक्शन मेल भेज के आपका वहां पे कैंडिडेचर कैंसिल करवा दे रही है। इन्फोसिस एटलीस्ट आपको होप तो भी दे रही है कि आपको, हाँ, आपका परफॉर्मेंस अच्छा था तो आप वेट कीजिए। और ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस बिना रीजन के रिजेक्शन दे रही है, रिजेक्शन बहुत कम कैंडिडेट्स को आ रहा है, मोस्टली कैंडिडेट्स को सिलेक्शन ही आ रहा है। हाँ, मैं ये चीज मानता हूँ कि काफी ज्यादा डिले हो रहा है, लेकिन डिले भी हो रहा है वो क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजंस है, जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट के क्राइसिस है, अकोमोडेशन एंड बैचेस एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड सभी चीजें जो होती है, बैकएंड में जो वर्क चलता है उसके लिए डिले होता है। एंड वो टोटली गाइस, मैंने टोटली हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो ट्रेनिंग होगी, आपको वहां पे बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहती है इन्फोसिस, आपको सभी चीजें अच्छे से सिखाने वाली है वहां पे, इसीलिए आपको यहाँ पे इन्फोसिस की तरफ से डिले हो रहा है थोड़ा सा, ओके। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ गई हो, A to Z सभी चीजें मैंने आपको क्लियरली बता दिए। वीडियो पसंद आया आपको तो डेफिनेटली लाइक कर देना गाइस, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो कि इन्फोसिस में इंटरेस्टेड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।